पाली जहां एक ओर सरकार बेटी बचाओ सबको पढ़ाओ व बेटी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर पाली शहर में बेटियां यानी युवतियों के सुरक्षित नहीं होने के मामले जिम्मेवारों की कार्यशाला पर सवाल खड़ा कर रही है। पीड़ित परिजन अपनी बेटियों के सुरक्षा व सुख शांति के दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। मासूम बेटियों को पिता अपनी बेटी के लापता अपहरण होने के एक मामले में जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक पाली से लगभग 18 माह से न्याय की गुहार लगाते लगाते थक गया और अंत में निराशा की भावना से न्याय नहीं मिलने पर परिवार सहित अपने जीवन लीला समाप्त करने की पीड़ा पत्रकार वार्ता में जाहिर की। वहीं दूसरी ओर उसी समाज कंटक से पीड़ित एक बेटी के पिता अशोक वाल्मीकि ने बताया कि उसकी पुत्री ट्विंकल की शादी सामाजिक रीति रिवाज मुताबिक पाली के अजय कुमार आदिवाल के संग 14 दिसंबर 2015 को हुई थी। उसके पश्चात से ट्विंकल का पति बुरे आचरण के चलते अन्य लड़कियों से अवैध संबंध रखते हुए उनकी पुत्री को अनावश्यक रूप से परेशान करने लगा। 2-3 वर्षों तक दहेज प्रताड़ना में लड़ाई झगड़े का लगातार सिलसिला जारी रहा। अंत में 31 जनवरी 2020 को उनकी पुत्री ट्विंकल का स्त्रीजन हड़प कर अनुचित रूप से दहेज की मांग करते हुए अजय कुमार व उसके परिजनों ने ट्विंकल व उसकी मासूम पुत्री को घर उधर करते हुए हवानियत की हदें पार कर दी। उक्त अजय कुमार से पीड़ित ट्विंकल के पिता अशोक कुमार व एक अन्य लापता युवती के पिता सूर्य प्रकाश सिखवाल न्याय की मांग को लेकर जिम्मेवारों से गुहार कर रहे हैं। क्या गहलोत सरकार के राज में प्रदेश में इस तरह की बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा, यह सवाल बना हुआ है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मैं तलाक में दूँ। उसको लेके पापा ने मम्मी ने कोई कार्रवाई की है? तभी उन पुलिस वाले सुन भी नहीं रहे। तो अभी कोई नोटिस भेजा है आपको? नोटिस भेजा उन्होंने मैं ससुराल वालों ने कि मुझे बच्ची दे और है ना तलाक दे। ठीक मामला ये है सर कि ये किसी लड़की को अफेयर चल रहा था और 14 दिनों से वो लेकर फिर रहे और मेरी बच्ची को घर बैठे उनको बोल रहा है तलाक दे, मेरे बच्चे को बोल रहा है तलाक दे, तलाक का नोटिस भेजा मेरे घर। कौन बोल रहा था? ये अजय आदिवाल ने नोटिस भेजा है कि मैं करती हूँ तेरी बच्ची से मेरे को तलाक दिला। अब तलाक में कैसे दिला? एक बच्ची है सर 3 साल की। उसको लेकर सामाजिक स्तर पर बातचीत की? सामाजिक स्तर पर हमारे समाज में 2-4 बार भेजी भी थी सर बच्ची को, पर ये फिर वापस इसको घर से बाहर निकाल पुलिस से मिली कैसे? पुलिस ने इस मामले में हमारे मुकदमा दर्ज कराया 23 तारीख।